हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 10 स्टडी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी बेसिक है और आपके एवरीडे स्टडिंग में आपकी काफ़ी मदद करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन। सबसे पहले है एक स्टडी प्लान बनाना। सो लेट्स से अगर आपकी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रही है तो आपको स्टडी प्लान कैसे बनाना है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है और डेट 22 जून जब इनकी एग्ज़ाम होने वाली है। सो उसके 5-10 डेज़ पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कब क्या पढ़ने वाली हूँ। जैसे 10 जून को मैं 1-5 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ूंगी, वैसे ही 20 जून को मैं सिर्फ रिएक्शंस पढ़ूंगी और 21 जून को मैं रिवाइज करूँगी। वैसे आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग स्टडी प्लान बनाना है। टाइम टेबल बहुत ही डिफरेंट चीज़ होती है और ये स्टडी प्लान काफ़ी डिफरेंट है। अगर आप इस तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट्स को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको पढ़ाई करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये मेथड ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये इससे आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कब आपको क्या करना है। सो आप वैसे ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है स्टडिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट की तरह आपको स्टडी करना है। हम क्या करते हैं, हमें अगर कोई क्वेश्चन आंसर या फिर कोई सम दे दिया तो हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, हम कुछ ना कुछ करके उसको मगअप करना चाहते हैं। बट एक्चुअली आपको वो समझना है। अगर आप इंग्लिश के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको ऐसे लिखना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई ऐसे गूगल पे से डाउनलोड करके उसको याद रखना है। उससे अच्छा ये है कि आप अलग अलग टॉपिक्स को देखिए और उस पर आप अपने हिसाब से खुद ही एक ऐसे लिखिए। सो इस तरह आपको हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी में आप डायग्राम्स देख देख के पढ़ सकते हो, ना कि आप कुछ रट्टा मार के। सो स्टडी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इस हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। दूसरी टिप होगी सारे सोशल मीडिया से लॉग आउट करना। अब ये ऑनलाइन के ज़माने में ऑफकोर्स आप फ़ोन से तो दूर नहीं रह सकते, इससे अच्छा है कि आप अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें से आप लॉग आउट कर दीजिए और कुछ दिनों के लिए आप वो यूज़ ही मत करिए। उससे आप डिस्ट्रैक्टेड कम रह गए और वैसे भी सोशल लाइफ कम हो नहीं जाती अगर आप सोशल मीडिया से ऑफ हो जाते हो तो। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको एक एग्ज़ाम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देते देते हम भूल ही गए कि एग्ज़ाम रूम में बैठ के कैसी फीलिंग आती है। इसलिए अपने पूरे स्टडी डेस्क को ऐसे प्रिपेयर करिए जैसे आप एक्चुअली एक एग्ज़ाम देने बैठे हो, और स्केल, इरेजर, पेन, जो भी आपको चाहिए सब लिमिटेड क्वांटिटी में रखिए, और एक मोबाइल फ़ोन में टाइमर भी सेट करके रखिए। और वो टाइमर कम से कम हाफ एन आवर अर्ली सेट करिए ताकि आपकी टाइम लिमिट भी बच जाएगी और साथ ही साथ आपको एक एग्ज़ाम देने की फीलिंग भी आएगी। सो अगर आपका 3 आवर्स का पेपर है तो 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइमर मैंने रख दिया है और मैं उसी तरह एग्ज़ाम देने बैठूँगी जैसे मैं एक्चुअली एक एग्ज़ाम रूम में बैठी हूँ। और ये हाईली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि स्लोली जब सारी थिंग्स ऑफलाइन हो जाएगी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें एग्ज़ाम देने के लिए। सो डू प्रैक्टिस दिस। नेक्स्ट स्टेप है ब्रेन डंप। ये काफ़ी अच्छी और यूनिक टेक्निक है। इसमें क्या करना होता है, कोई भी एक टॉपिक या वर्ड लिखना है और फिर उससे रिलेटेड आपको जो कुछ भी याद हो, डिस्क्रिप्शंस हो, टर्म्स हो, सब टॉपिक्स हो, वो आपको उसके सराउंड में लिख लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डीएनए आरएनए का टॉपिक सेंटर में लिख रही हूँ ऑन अ ब्लैंक पेज, और फिर डीएनए आरएनए सुन के मेरे माइंड में जो कुछ भी उससे रिलेटेड आता है वो सब कुछ मैं लिख लूँगी। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है, स्पेशली अगर आपको आपकी सारी मेमोरी ब्रश अप करनी हो कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, और ये आप हर एक सब्जेक्ट में यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैथ्स के लिए ऐसा कुछ बनाना है तो आपको कोई भी वर्ड लेना है, लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री, उसको सेंटर में लिखना है और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज आपको याद है वो आपको उसके सराउंडिंग में लिखने। ये कुछ माइंड मैप स्पाइडर वेब जैसा बन जाता है जो काफ़ी सैटिस्फाइंग होता है, और ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है अगर आपको एग्ज़ाम के लिए सिर्फ हार्डली 1 आवर 2 आवर बचा है और आपको सिर्फ ब्रश अप करनी है अपनी मेमोरी, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। काफ़ी हेल्पफुल होता है और इससे आपको पता भी चलेगा कि आपने क्या मिस आउट कर लिया, आपको क्या नहीं याद। नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो उस एरिया को क्लटर फ्री रखना। हमें पूरा पसारा भर के नहीं रखना। हम क्या करते हैं कि अगर एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो गई तो उसकी टेक्स्ट बुक्स वहीं पे छोड़ देते हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम पे फोकस करने लगते हैं, पर ऐसा नहीं करना। उससे आपका माइंड काफ़ी क्लटर से भरा रहेगा। उससे अच्छा ये है कि सब कुछ क्लीन रखना और काम रहना। नेक्स्ट स्टेप है कि स्टडी लेट नाइट नहीं करना और ओवर स्टडी तो बिल्कुल नहीं करना। कभी कभी एग्ज़ाम के प्रेशर में हम इतना पढ़ लेते हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता। 4-4, 3-3 घंटे की पढ़ाई भी काफ़ी हार्मफुल हो सकती है अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं करते हो तो। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि रात को तो बिल्कुल भी मत पढ़ो और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ो और हर 2-3 घंटे में ब्रेक लेते रहो,
और ज़्यादा पढ़ाई मत करो कि आप सब कुछ भूल ही जाओ, क्योंकि हम कभी कभी ना रट्टा इतना मार लेते कि एग्ज़ाम में कुछ याद ही नहीं रहता, वो इसलिए क्योंकि हमने एक ही दिन में इतने सारे टाइम की पढ़ाई कर ली होती है। सो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है, वो है स्टडी सोलो। हमें हमेशा लोग कहते हैं कि ग्रुप स्टडी करके हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है, डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं, पर अगर आपको मेरी राय चाहिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ग्रुप स्टडी मत करो और सोलो यानी कि अकेले ही पढ़ाई करो। इससे आपका फोकस इंक्रीज़ होगा, कॉन्सेंट्रेशन भी होगा और अननेसेसरी बातों से आप डिस्ट्रैक्टेड भी रहोगे। हाँ, कभी कभी ग्रुप स्टडी करके आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, पर हमेशा वैसा तो नहीं होता, और ख़ास करके अगर आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ ग्रुप स्टडी अवॉइड करो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो गूगल है, यूट्यूब है, और ऑफकोर्स आप अपने टीचर्स को भी कॉल कर सकते हो और फ्रेंड्स को भी कॉल कर सकते हो, बट ग्रुप स्टडी प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम 90% ऑफ द टाइम ग्रुप स्टडी में पढ़ाई कम होती है और हम डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए अकेले ही पढ़ाई करना। नेक्स्ट स्टेप है कि सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिट नहीं रखनी। हम क्या करते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी टेक्स्ट बुक पूरी पढ़ लो, मतलब हो गई पढ़ाई, बट आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़े कुछ नहीं होने वाला। उससे अच्छा ये है कि आप अलग अलग चीज़ें यूज़ करो, जैसे गूगल पे कोई टॉपिक का रिसर्च कर लो अपने जो चैप्टर है उसका, यूट्यूब पर देख लो, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक पढ़ाई मत करो। लास्ट स्टेप है फोकस करना। हमें क्या लगता है कि अगर हम पिंटरेस्ट जैसी प्रिटी नोट्स, आईपैड, मैकबुक वगैरह यूज़ करेंगे तो ही हम कुछ एस्थेटिक बना पाएंगे और तो ही हम पास हो गए। वेल, ऐसा तो ऑफ कोर्स नहीं है। ये सब चीज़ें हमें काफ़ी डिस्ट्रैक्ट कर लेती है और हमें काफ़ी ऐसा फील करवाती है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, अच्छा फ़ोन नहीं है, तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे। बट एक्चुअली वैसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ जितना है आपके पास उससे ही मेहनत करनी है और फोकस करना है, जिससे आपको जो चाहिए आप वो अचीव कर सकते हो। सो ये थी मेरी स्टडी टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ऐसी अलग अलग कौन सी वीडियोस देखनी है स्टडी रिलेटेड, और मैं उन्हें ज़रूर बनाऊँगी।